ठीक हैं आप? तो शादी करोगे मुस्तफा? डायरेक्ट। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कभी मैं कभी तुम का एपिसोड 2 और 3 के हाईलाइटेड सीन्स, इंपॉर्टेंट सीन्स। ये हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें कट करके वीडियो दिया है, जिससे जो मेन इंपॉर्टेंट सीन है ना वो हम देख पाएँ फटाफट। अपन को इसके लेटेस्ट एपिसोड तक पहुंचना है तो ऐसे ही पहुंचा जा सकता है। शुरू करते हैं अभी को। हाय हाय, क्या हाल? हाल तो आप बताएं। काफ़ी बिजी हैं आजकल। कल हम लोग आपके घर आए और मुझे और मेरी फैमिली को इग्नोर करके कहीं चले गए। एक जरूरी काम था इसलिए। इसको कोई अफसोस नहीं है इसके किए करेगा। स्टेट अदीन, काफी टाइम से आपका मेरे साथ और मेरी फैमिली के साथ अनवेलकमिंग बिहेवियर है। मैं ऑनेस्टली बस वजह जानना चाहती हूँ कि क्यों। तो क्या मैं रेड कार्पेट पे जाके आप लोगों का वेट करता हूँ? इतने रेड फ्लैग लोगे भाई बंदे से? एक्सक्यूज मी, उसने बोला क्या मालूम है? तो क्या मैं रेड कारपेट बिछा के आपका वेलकम करूं? वही तो। उस दिन आप शॉपिंग पर नहीं आए, आपने मेरे साथ डिसाइड किया था कि आप आएंगे और आप नहीं आए। चलो ठीक है, आप नहीं आए क्योंकि ऑर्डर के लिए क्या? उसके बाद आपको सॉरी बोलना चाहिए था, अपोलोजाइज करना चाहिए था एटलीस्ट। उसकी जगह आपने मुझसे बदतमीजी की, मुझसे रूडली बात की। मुझे नहीं समझ आ रही है, ऑनेस्टली स्पीकिंग आपने कल मुझसे जिस तरह बात की मुझे लग रहा था आप शादी नहीं करना चाहते मुझसे। तुमने अभी मुझसे वजह पूछी, नाउ लेट मी गेट दिस वेरी वेरी क्लियर। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अगर मैं तुम्हें हर्ट कर रहा हूँ, अगर मैं ये शादी नहीं कर सकता। मेरी जिंदगी में कोई और है मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। यहाँ तक का एपिसोड 2 हमने ऑलरेडी दोस्तों देख लिया, हमें पता है कि ये उधर हाँ बोल के आ गया है, कि बॉस को इसके आगे का हम देख रहे हैं। तो मुझे जानते हो, मैं एक ऑनेस्ट इंसान हूँ, कभी भी झूठ बोल के धोखा दे के कोई काम नहीं करता। इसकी ये बात मैं तुम्हें साफ साफ खुद बता रहा हूँ। अगर चाहता तो अपने पेरेंट्स के थ्रू भी तुम्हारे घर इनकार भिजवा सकता था, लेकिन मुझे लगा कि ये बात मुझे खुद तुम्हें सामने बैठ के बतानी चाहिए। बड़ा ऑनेस्ट बंदा है। ज्यादा ही ऑनेस्ट है। तुम मेरे पेरेंट्स की पसंद थी और मैंने सिर्फ उनकी पसंद को एक्सेप्ट किया था शजीना। ये बात वो तब बता रहा जब उसकी मायो है जिस दिन। थोड़ा पहले बता देता भाई, पर उसको भी कल ही पता चला। ये भी है। अगर मैं ये शादी नहीं कर सकता। पैरों तले जमीन खिसक गई। उधर घर वाले सब तैयारी कर रहे हैं शादी की और इधर इन्होंने मना कर दिया। बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक था। परफेक्ट लड़का ढूंढने जाते तो ऐसे ही होता है भाई, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। ये तो लालची कुछ ज्यादा ही निकला ना यार, इसने दिमाग लगाया मालूम, इसने दिल नहीं लगाया, इसने दिमाग लगाया है। हाँ भाई थे ना आपके साथ, कहाँ गए? जी अम्मी। शर्जीना बेटा कहाँ रह गई हो तुम? पता भी है खाला आने वाली है, इतने काम पड़े हुए। तुम तो रामीन से कह के गई थी मैं अभी आ रही हूँ। जी अम्मी मैं बस आ रही हूँ, एक काम था मुझे। भाई कहाँ है आप, कब से इंतजार कर रही? क्या मतलब 5 मिनट में आएंगे, कैसी सर्विस है ये? भाई से कोई बात हुई आपकी? कुछ कह के गए वो आप? हाँ बात खत्म कर गया तुम्हारा भाई, रिश्ता खत्म कर दिया उसने मेरे से। मेरा बाप ना घर पे मुझसे ये पूछना चाह रहा है कि स्टेज कैसे सेट करवाना है, लाइटें लगवा रहे हैं, मेरा मायूं है आज, मेरी खाला दुबई से आ रही है। क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सही कह रही हूँ, उन्हें कोई और पसंद है। बदनामी बहुत होगी यार ऐसे में। आप गाड़ी में बैठे, मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ, रास्ते में बात कर लेते हैं। ये लोग हैं आपके काफी, इनसे ऑलरेडी इनकी दोस्ती अच्छी है तो शायद इसलिए बैठ गई इनकी गाड़ी में, नहीं तो दूल्हे के भाई के साथ कौन बैठता। सही बात है। पानी लेने गया बंदा उनके लिए। बंदा है तो बस सही है। हाँ काम धंधा नहीं करता है पर केयरिंग है। केयरिंग बंदा है वो, काम धंधा करता है तो केयरिंग नहीं है। बहादुर लोग बिल्कुल नहीं रोते। शर्जीना तुम तो मेरी बहादुर बेटी हो। इमोशनल फ्लैशबैक। तुम इस घर की सबसे बड़ी बेटी हो, तुमने बड़े होकर अपनी छोटी बहनों का हौसला बनना है। बी ब्रेव, बहादुर, स्माइल, 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 स्माइल। पापा की बातों से हिम्मत आती है। समझ नहीं आ रहा भाई ने ऐसा किया क्यों, आप लोगों की तो मर्जी की शादी है ना। ये सच में बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि देर हो रही है मुझे, प्लीज घर छोड़ दो।
अपनी आमिर को भी इतना समझ आ गई कि इनके घर वालों की कोई गलती नहीं है इसमें, वो बंदा ही बेकार है। उधर देखो टेंट वेंट लग गया घर, मेहमान भी उतरा उधर रिक्शा से, देखो हाँ रिक्शा से मेहमान उतर रहे भाई। इनकी खाले ही होगी जो दुबई से आ रही है, मुझे पता नहीं क्या बोलना चाहिए। स्टे स्ट्रांग, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। सही मोटिवेशन दी है वैसे। क्या बात है, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं हूं जिम्मेदार या अच्छा तो नहीं हूं, लेकिन दोस्तों को ऐसे बीच रास्ते में छोड़ के नहीं जाता मैं। यू कैन ऑलवेज काउंट ऑन मी। क्या बात है, भाभी बनो या ना बनो बट एक दोस्त है तुम्हारे पास हमेशा के लिए। ये डायलॉग ने मेरे गूज बम्स ला दिए भाई, पता नहीं क्यों, है ना भाई जो इन्होंने बोला ना लेवल, यही म्यूजिक नसीबो लाल का। है ना नसीबो लाल की आवाज है ना ये, आप लोग कमेंट करके बताना। क्या बात है, क्यों दी है मुझको यार आप बिन मांगे तन्हाई। लाइंस लिरिक्स बहुत प्यारी। वो शर्जीना को भी फोन कर लो, कहाँ रह गई है, इतनी गैर जिम्मेदार तो नहीं थी ये। वो तो यहाँ बैठी हुई अफसोस में। हमारी अम्मी को ना पैनिक अटैक शुरू हो गया शर्जीना, कभी उन्हें मेहमानों की टेंशन है तो कभी डेकोरेशन की। कहाँ रह गई थी तुम, ऐसे भी कोई करता है इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत? गई थी तो किसी को घर पे तो बता के जाती। कैसे बताएंगे यार उनको, ये टफ होगा बहुत बताना, बहुत ज्यादा टफ है यार। रोना भी नहीं है बताना भी है उनकी, और ये भी दिखाना है कि मेरे में हिम्मत है, आप मत डरो। बैठ क्या बैठ, अब बताएंगी। अतीनी शादी से इनकार कर, क्या बकवास कर रही हो तुम, ये क्या भोंडा मजाक है। वो किसी और को पसंद करता है, किसी और से शादी करना चाहता है। दोनों पेरेंट्स पे क्या बीतेगी यार, इतनी तैयारी कर रखी है, पूरा घर डेकोर कर दिया है, मेहमान अलग आ जाएंगे, सबको इनविटेशन भी चलेगा होंगे जाहिर सी बात है। तो एक शादी तो होगी ना। बाबा आप इधर बैठ बैठ बैठ, हटाओ ये हटाओ इसे। बाबा को भी संभालो, उनको भी संभालो। भाई कहाँ है? अदील ऑफिस में होगा। क्या किया उसने? शर्जीना से रिश्ता तोड़ दिया। क्या कह रहे हो, होश में तो मुस्तफा, मुझे हर वक्त का मस्खरापन बिल्कुल पसंद नहीं है, और ये बात मजाक में करने वाली नहीं है। नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस हूँ, खुद पूछ लें से, बताइए ना क्या किया आपने। उसे रोता हुआ रास्ते पे उतार के आ गए और पता नहीं क्या क्या कहा, किसी और से शादी करना चाहते हैं, बता क्यों नहीं रहे, ये क्या बकवास कर रहा है। अब आपने जो कुछ सुना है वो बिल्कुल ठीक है, मैं शर्जीना से शादी नहीं करना चाहता। किसने कहा? अदील ने खुद कहा। पीपी हाई हो गया भाई दोनों। अरे भाई, अरे भाई, अभी बहुत ज़्यादा बीपी हाई हो गया उनका, क्योंकि टेंशन इतनी बड़ी दे दी है उन्होंने। अब पता नहीं क्या क्या दिमाग चल गया होगा उनको, क्या इतने मेहमान आएंगे, कैसे रुकेंगे। क्या बात कर रहे हो तुम, होश में हो? और वैसे भी शर्जीना आपकी और अम्मी की पसंद थी, मुझे शादी नहीं करनी। बेटा 7 दिन रह गए शादी में, वो माइयों में बैठी हुई है, क्या बुराई है उसमें? हाँ शक्ल की ठीक नहीं है, किरदार अच्छा नहीं है, या इखलाक ठीक नहीं है, कोई भी कमी नहीं है, सिर्फ पैसे नहीं है। मैं किसी और से शादी करना चाहता हूँ, और उसका नाम है रुबाब। रुबाब कौन है? स्टार ग्रुप ऑफ कंपनीज के एम्पायर के चेयरमैन मंसूर अली खान साहब की इकलौती बेटी। मुझे उम्मीद है कि मेरे इस फैसले में आप लोग मेरा साथ देंगे। हम बड़े इज्जतदार लोग हैं, जब जबान दे देते हैं तो वहीं पर शादी करते हैं। अब्बा मैं फैसला कर चुका हूँ, क्योंकि मेरे इस फैसले में हम सबकी बेहतरी है। बेहतरी, ये सिर्फ पैसा देखता है इंसान, फायदा देखता है, इज्जत विज्जत सब जाए भाड़ में। आजकल के टिकटॉकर जैसा हाल है इसका। इज्जत गवा दी तो क्या हुआ, पैसा तो मिला ना। हम लोगों को कैसे फेस करेंगे अगर हम खुद ऐसे बीमार हो जाएंगे? लोग तो बोलते बोलते रहेंगे, सदमा लग गया उनको भाई। डूइंग वेरी वेल, दोनों ही शॉक में है यार, पेरेंट्स इनके हाथ पे ठंडे हो रहे हैं उनके, इधर भी इनके भी हालत कोई अच्छे थोड़ी ना, भले ही दूल्हे वाले हों, लेकिन टेंशन में तो है ना, कि लोगों को क्या जॉब, उनको ज्यादा टेंशन है, मेरे लड़की वाले हैं ना यार। हां पानी पी, नहीं पीना मुझे पानी, मुर्तजा से फिर कैसे नजर मिलाऊंगा? इसको बता देना शगुफ्ता, अगर इसकी शादी होगी ना तो सिर्फ शर्जीना से, बस। सही है, वो भी अपने दोस्त के सामने कैसे नजरें मिलाएंगे। ओ दुबई से आ गई हाला, क्या हुआ?
मुर्तजा भाई सब खैरियत तो है? खैर ही तो नहीं है, कहर है। मेरी बच्ची की खुशियों को नजर बर्बाद, सब कुछ खत्म। बहुत नेक्स्ट लेवल वाला इमोशनल मोमेंट है यार ये। बाकी बहुत बहादुर बताया यहाँ पर सर्जिला के कैरेक्टर को, आनिया आमिर का कैरेक्टर। आनिया आमिर, नो डाउट, ऐसे हिम्मत से ही काम लेना चाहिए ऐसी सिचुएशन में तो। खुदा ना खास्ता अगर आ जाए ऐसी सिचुएशन तो। परेशानी से कुछ नहीं होगा, लगता कि मस्तैद होगी, जरूर कोई बेहतरी होगी। बेहतरी तो है, बेहतरी जरा तो सोचो, देखो तुम्हारे अब्बा के दोस्त हैं, वो कितने परेशान होंगे। अच्छा ये इनका कमरा इस टाइप सजा रखा है इन्होंने, तुम्हारी इसमें रजा शामिल थी, और अब तुम अचानक ही कैसे कर सकते हो बेटा? बड़ी बदनामी होगी हमारे खानदान की, हम कहीं के मुंह दिखाने के नहीं रहेंगे। अम्मी मैं अपना फैसला कर चुका हूँ, अब लोग खौफ से या किसी भी किस्म की इमोशनल ब्लैकमेलिंग से हैं, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। ये बहुत पत्थर दिल है यार। मेरा सोचो ना बेटा, मैं तो बहुत ख्वार हो जाऊंगी, मैं किस तरह लोगों को सामना करूं? ऐसा ना करो। अम्मी मैं आपसे इंतहाई माजरत ख्वाह हूँ, लेकिन मैं शर्जीना से शादी नहीं करूँगा। इस बंदे को भी सिर्फ अपनी पड़ी है। तो शादी करूंगा, मैं वहां जुबान दे चुका हूं। सॉरी मेरा ये, मैं वहां जवाब दे आदमी फैसला है, और यहां ये जो माँ बाप की जुबान है उसकी कोई फैसला, उसकी कोई वो नहीं अहमियत। और जबकि तुमसे पूछा भी तो गया था, जब शर्जीना का बोर्ड लगा हुआ है मायो का, और दूल्हे का भी नाम लिखा है भाई। नहीं, शर्जीना और यमुना दोनों का नाम लिखा है, इन दोनों की मायो है ऐसा कर। हाँ यमुना लिखा है, सॉरी। क्या वो तैयार नहीं हो रही? मैं तैयार नहीं, तैयार नहीं होगी शर्जीना। क्यों नहीं होगी, पागल हो क्यों? मैं मायूं नहीं बैठूंगी, हमें एक साथ मायूं बैठना था, हमें एक साथ मायूं का जोड़ा पहनना था। हमें बाबा की इज्जत के लिए करना पड़ेगा ना ये। बंदा वो लाइक भी करता था इनको, पर वो अमीर बंदी मिल गई ना तो स्टार्टिंग में कुछ और था और अब कुछ और, फ्लिप मार दिया उसने। मेहमान आने वाले, प्लीज तैयार। जामीन को भी कहो तैयार हो जाए। इस वक्त हमें मुर्तजा अंकल के घर होना चाहिए मुस्तफ़ा। अब क्या करेंगे? मैं तो शर्जीना के घर वालों को कभी फेस नहीं कर सकती। हम लोग गए नहीं मुर्तजा के घर रस्म के लिए। अब कैसी बातें कर रहे हैं, भाई ने इनकार कर दिया शादी से। उसकी ऐसी की तैसी। गुस्सा मत करना, तबीयत खराब हो जाएगी, अम्मी गई है समझाने के लिए। अम्मी ने बात कर ली, अब मैं बात करूंगा। इनका गुस्सा बड़ा क्यूट लगा मेरे को। क्या हो गया, तैयार क्यों नहीं हो रही है? प्लीज तैयार हो जाए, देर हो रही है, मेहमान आने वाले हैं। अम्मी हिम्मत करनी पड़ेगी ना, यमुना के ससुराल वालों के सामने और बाकी मेहमानों के सामने तो नहीं हम ऐसे हिम्मत हार सकते। मैं बात करती हूँ, तैयार हो जाए। क्या जिसकी दुख तो इस बंदी को सबसे ज्यादा हो रहा है, जिस तरह से हवा में निकाल रही ना वो कर गया, वो मुझे वो रोना बहुत रोक रही है। हाँ, वो बहुत मुझे। अब मैं जानता हूँ तुमसे क्या बात करनी है, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करें। आप खामखामे जज्बाती हो रहे हैं, खुशकिस्मती मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रही हो, मैं दरवाजा ना खोलूं? जिंदगी में ऐसा मौका एक बार आता है, बार बार नहीं। साफ कहो कि उस अमीरजादे की दौलत देखकर लालच आ गई तुम्हें। जिंदगी मुझे आगे बढ़ने तरक्की करने का मौका दे रही है, और मैं ये मौका नहीं गुमाना चाहता। लानत है तुम्हारी इस घटिया सोच पर। देखो मैंने सारी जिंदगी असूलों की बात की है, हलाल कमाया, सच बोला, फिर भी मेरी औलाद ऐसी निकली है। प्लीज बुरा मत मनाइएगा, लेकिन आपने क्या हासिल कर लिया इन प्रिंसिपल्स को अपने सीने से लगा के? गिन गिन के पैसे खर्च करो, अपनी सरकारी नौकरी से बमुश्किल बैंकों से लोन लेकर तो आप ये एक मामूली सा घर बना सके। ये सबसे गलत काम कर रहा है, और उसके बाप की मेहनत पे सवाल उठा रहा है। तुम्हारे लिए किया उसने जो कुछ, मतलब ये अफसोस होता है कि भाई एक बाप अपने बच्चों के लिए इतना करता है और बाद में बच्चे उसको ये बात सुनाए। अब तुम अपने बाप को एक मामूली आदमी कह रहे हो? मैंने सिर्फ सच बयान किया है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सब इस फैसले में मेरा साथ दें। बहुत नाज था इनको इस पे, दिल तोड़ गया। सबको बोलते रहते था मेरा बेटा ये, मेरा बेटा वो। और तुम शर्जीना से शादी नहीं करोगे तो इस घर में नहीं रहोगे, और तुम्हारा हम सबसे ताल्लुक खत्म। ओ माय गॉड, तुम चुप करो, मुझे बात कर दे दो, और बीच में कोई नहीं बोलेगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं मुर्तजा अंकल से जाके माजरत कर लेता हूँ, आपको बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं होना होगा। इतना बेशर्म है। मुझे इस घर से निकाल के आपको क्या मिलेगा? आपकी सैलरी में तो इस घर की ग्रोसरी तक नहीं आती।
मुझे इस घर से निकालेंगे तो इस घर के किचन का खर्चा, इसके बिल्स, बिजली, पानी, आपकी और अम्मी की दवाई, ये सब कुछ कौन करेगा? अगर तुमने फैसला कर लिया तो तुम एक घर से जा सकते हो। उसने उसके एहसान भी गिना दिए। अभी ये छोटा सा घर तुम्हारे शायान शान ने तुम्हारी शायान शान नहीं है। जैसे आपकी मर्जी, मगर याद रखिएगा मैं आप लोगों को छोड़ के नहीं जा रहा। आप मुझे इस घर से निकाल रही हैं। अगर कभी लगे कि मुझे निकाल के गलती की थी तो याद कर लीजिएगा, आपका बेटा हाजिर होगा। मतलब कहना है चाह रहा है इसमें मेरी कोई गलती नहीं, तुम्हारी गलती वो है। हर चीज में सामने वाले को दोषी ठहराना चाह रहा है कि मैं तो उल्टा भी काम करूंगा। और जाने दो फरमान को, जाने दो उसे गुप्ता। इधर इनकी मायो शुरू हो गई भाई, तैयार भी हो गई यार। हानिया आमिर ने भी दूसरा जोड़ा पहना है, पीले की जगह कुछ और पहन लिया। चलो फाइनली फेस पे स्माइल रखी है उसके बाद। हाँ कम से कम एक बहन की शादी तो प्रॉपर करे यार। सही बात, क्या दो दो शादियां थी ना यार। मायू नहीं बैठे, सिर्फ यमुना ने मायू बैठना था। अच्छा, लेकिन चची जान ने तो कहा था तुम दोनों साथ मायू बैठोगी। नहीं नहीं, मैंने खुद ही अम्मी को मना कर दिया था, मुझे असल में ऐसे फंक्शन थोड़े बोरिंग से लगते हैं। ये बस इसी चीज का तो टेंशन होता है भाई कि लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ये लोग कुछ छुपा रहे हैं और शर्जीना के ससुराल वाले भी नजर नहीं आ रहे। देख लोग समझ भी जाते कोई ना कोई बात है जरूर। अलमा चाची का चेहरा देखो कैसा उतरा हुआ है। रोना जाएगा यार, तो बस ना यार, बहुत इमोशनल मोमेंट, बहुत इमोशनल। खास करके मुझे सरजीना को देख के मतलब बहुत फील आ रहा उसके लिए, बहुत उस कैरेक्टर से ऐसा जुड़ गए ना कि रोना आ रहा उसके लिए यार, बंदी के लिए। उसके बाद भी वो इतने एफर्ट्स लगा रही है, उसकी बहन की शादी तो है ना वो, मतलब वो सोच रही है। उसके फादर तो बिल्कुल वो बाहर ही नहीं जा रहे ताकि क्या जवाब दूंगा लोगों को, इसलिए कोई बात नहीं यार। जो उन्होंने बोला ना फहद मुस्तफा ने, जिंदगी भी खत्म नहीं हुई है भाई। हाँ सही बात है। अभी वो डिसीजन कैसे लेंगे वो समझ में नहीं आ रहा कि कौन बोलेगा। ये बोलेंगे कि उधर वाली पार्टी बोलेगी कि एक काम करो फहद से मुस्तफा से शादी कर लो। ये क्या शानदार शॉट लिया है यार तीनों बहनों का। जल्दी से नाश्ता कर लो, हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? मुर्तजा के वहाँ क्या करने जाना है? हमारे बेटे ने कई जिंदगियां बर्बाद कर दी है, कम से कम उसका हजारा नहीं कर सकते तो जाके उस मासूम बच्ची और उनके माँ बाप से माफी तो मांग सकते। मुझे नहीं जाना वहाँ, मेरी हिम्मत नहीं उनका सामना करने की। क्या मतलब है नहीं जाना? हमारे बेटे ने हमें जिल्लतें दी है, वो बेटा तुम्हारा भी है और इस जिल्लतों का खमियाजा हम दोनों को भुगतना पड़ेगा। हाँ भाई, वो भी अकेले थोड़ी ना सहन कर सामना कर पाएंगे, साथ में रहोगे तो थोड़ा तो हिम्मत मिलेगी। इनका दिल तो मेरे ख्याल से भी बड़े बेटे में लगा हुआ है। इनका शजीना से शादी से इनकार किया तो मेरे अब्बा ने मुझे घर से चले जाने का हुक्म दे दिया। What? तुम कहाँ हो इस वक्त? इनकी जो मम्मी है ना, उन वो घर की लेडी है ना, तो उनको घर की ज्यादा फिक्र है, घर कैसे चलेगा, ये भी एक सोचने वाली बात तो है। बिल्कुल नजर नहीं मिला सकता मुर्तजा, मेरे बेटे ने मुझे इस काबिल ही नहीं छोड़ा। अगर उसे ये शादी करनी ही नहीं थी, कोई और पसंद था, तो फिर शर्जीना से रिश्ता जोड़ा ही क्यों? उसकी पसंद की शादी थी, वो खुश था। मेरे बेटे ने सब क्या किया? जिंदगी भर के लिए रुसवा करके रख दिया मेरे बेटे को, नुकसान तो जिंदगी भर खत्म। सीरियसली मेरे बेटे ने जुल्म किया है तुम पर और शर्जीना पर। उस जुल्म में ना मैं शामिल हूँ, ना शगुफ्ता शामिल है, और ना ही मेरे दोनों बच्चे। मैंने उसे घर से निकाल दिया है, अब उससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। जिंदगी भर ना मैं उसकी शक्ल देखूंगा, ना ही वो मेरी। अब क्यों आए लोग माफिया मांगने? शर्जीना आप ही की पूरी लाइफ तो बर्बाद कर दी उन्होंने। पता नहीं क्या हुआ है शर्जीना को, इतना स्ट्रेन बिहेव कर रही है, कल से अब तक एक बार भी नहीं रोई। कभी अम्मी को चुप करा रही है, कभी मुझे, कभी तुम्हें, अपने दुख की जैसे उसे कोई परवाह ही नहीं है। वो रोएगी ना तो अकेले में रोएगी और बहुत गंदा वाला रोएगी। वो कंट्रोल कर रही है वो। बेटियां मेरा फख्र है। शर्जीना के रिश्ते के लिए किसी के सामने इल्तिजा करके मैं अपनी बेटी की इज्जत और वकार को दांव पर नहीं लगा सकता। इल्तिजा तो नहीं करेंगे। शर्जीना कहाँ है? मैं खुद उससे माफी मांगूंगा। मुस्तफा भाई
आपने गाड़ी बराबर वालों के गेट पर खड़ी की है, उन्हें गाड़ी निकाल ली है। मैं सर हटा के आया था। अब यहाँ पर इनकी कुछ बात होगी लगता है। Stay strong. This is not the end of the world. दोस्तों को ऐसे बीच रास्ते में छोड़ के नहीं जाता। You can always count on me. भाभी बनो या ना बनो, बट एक दोस्त है तुम्हारे पास हमेशा के लिए। याद आ गया, आप बात करने जाएंगे? ठीक है आप? तो शादी करोगे मुस्तफा? डायरेक्ट। कल बड़े बड़े दावे कर रहे थे ना कि तुम मेरे दोस्त को, मुझे कभी भी जरूरत पड़ी तो मदद करोगे। सदमा लग गया आपको? तबीयत ठीक नहीं है आपकी? आई एम एब्सोल्युटली फाइन। मेरी छोटी बहन और बाबा की इज्जत बचाने का ये आखिरी डेस्परेट अटेम्प्ट है मेरा, मेरी मदद करोगे? डेस्परेट अटेम्प्ट है, समझ रहा है? तुम्हें लग रहा होगा कि ये शादी के लिए किसी डेस्परेट हो रही है, लेकिन समझो बात को कि वे चाह क्या रही हो। वो सिर्फ क्योंकि आप मायो तो जैसे तैसे निकाल ली, लेकिन शादी में तो सवालों की झड़ियां लग जाएंगी, क्योंकि इनविटेशन कार्ड्स में क्लियरली लिखा हुआ है कि इन दोनों की शादी। माया को तो चलो भाई मैं फंक्शन अटेंड नहीं करती, मुझे पसंद नहीं है करके टाल दिया, वह शादी के टाइम पर क्या करेंगे? सही बात है, शादी के टाइम डिसीजन तो सही बनाया है कि उनके फादर की बदनामी भी नहीं होगी इससे, सैक्रिफाइस तो एक होगा, दोनों का ही सैक्रिफाइस हो जाएगा, फिर बाद में प्यार तो होना ही, वो तो है। ये फिलहाल में प्यार वाली शादी तो नहीं है, ये दोनों के सैक्रिफाइस या फिर कह सकते हैं कि एक समझौता है कि भाई तुम्हारे परिवार ने तकलीफ दी है और हमारे परिवार को तकलीफ हुई है, तो उसका सैक्रिफाइस तू कर, तुझे शादी नहीं करनी है पर तुझे करना पड़ेगी, और मुझे भी तुझसे शादी नहीं करना थी लेकिन अब मुझे करना पड़ रही है सैक्रिफाइस के लिए। बट अब आगे होगा क्या, ये भी कन्फ्यूजन है, अभी भी इनकी शादी कैसे होगी, मतलब जो हानिया आमिर खुद आगे रखे तो बोल नहीं सकती। नहीं, मुझे लग रहा है हानिया आमिर ही बोलेगी, जिस तरीके से हानिया आमिर संभाल रही है सब चीज़ों को, मुझे डाउट जा रहा है कि कहीं हानिया आमिर ही ना बोल दे। देखते हैं भाई वो आने वाले एपिसोड, या ये भी हो सकता है कि हानिया आमिर बोल दे तो फिर जाओ बोल दो, हाँ जाओ प्रपोज करो तुम, कि वो बोलेगी तो गलत हो जाएगा ना। हाँ फिर वो बोलेगा ठीक है काम करो, इसका हम खामियाजा ये भुगतते कि मैं शादी करता हूँ, और उसके वो घर वाले भी देखते रह जाएंगे, ये क्या बोल रहा है भाई। ये भी हो तो सकता है, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे तो पता चलेगा। बाकी मजा आ गया भाई एपिसोड में, बहुत इमोशनल मोमेंट्स थे यार। वो मतलब उसका जो कैरेक्टर है ना हानिया आमिर वाला शर्जीना, उसको देख के मुझे सच में रोना सा आ गया था, सीरियसली मैं खुद भी इमोशनल हो गया था, बहुत ज्यादा। वो जिस तरह से रोना रोक रही थी, हम भी वैसे ही रोक रहे, वो जो जब जब हंस रही थी मुझे रोना आ रहा था। हाँ जो वो हंस रही थी ना तो मुझे रोना आ रहा था कि अरे ये कितना रोना रोक रही है बंदा, ये ऑब्वियसली इट्स अ ड्रामा, बट ऐसा लग रहा था सच में हो रहा है यही, और यही पाकिस्तानी ड्रामास की सबसे अच्छी बात है, वो ड्रामा देखते हुए कभी लगता ही नहीं है कि हम ड्रामा देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि रियल में किसी की लाइफ देख रहे हैं, कोई व्लॉग वगैरह चल रहा है और उसकी रियल लाइफ देख रहे हैं। क्या एक्टिंग करते हैं यार सच में। तो आप बताइए दोस्तों कैसा लगा आपको आज का रिएक्शन, अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कोई भी स्पॉइलर मत देना कमेंट में। मिलते अगले वीडियो में, टिल देन मेक लव नॉट वॉर।